तो टॉपिक है सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। तो ठीक है, लेवल रोड का मतलब है रोड बिल्कुल फ्लैट है। ये मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगला एक्सप्रेशन है ऑन अ बैंक्ड रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग का मतलब थोड़ा ऊपर को उठा रखी है रोड, जैसे पहाड़ों पे थोड़ा साइड से उठा के रखते हैं, या रेसिंग ट्रैक्स ऐसे होते हैं। तो ये वो नहीं है, ये नॉर्मल ट्रैक है। तो एक नॉर्मल ट्रैक है और इस तरीके से गाड़ी नॉर्मल सड़क पे, जैसे आपके राउंड अबाउट नहीं है ऐसे, तो सोचो आप राउंड अबाउट पे गाड़ी चला रहे हो, ये रही आपकी गाड़ी और ये लेफ्ट के व्हील, इसके पीछे एक और है, राइट के व्हील, इसके पीछे एक और है, ये आउटर बोलते हैं, इसे इनर बोलते हैं। तो अगर ये इस चक्कर में घूम रहा है, अगर ये गाड़ी ऐसे घूम रही है, तो इसका सेंटर ट्रैक का कहाँ मिलेगा आपको, इस तरफ, तो इज द सेंटर। तो ये बात समझ में आ रही है, वो सेंटर है और आपकी गाड़ी इस तरीके से घूम रही है। अब इसमें इसका वेट क्या है गाड़ी का, एम जी। मैंने इसमें लेफ्ट के साइड का नॉर्मल रिएक्शन अलग लिया है और राइट के साइड का नॉर्मल रिएक्शन अलग लिया। हालांकि आप ऐसा भी ले सकते हो, पूरी गाड़ी का एक ही नॉर्मल रिएक्शन है आर, पर मैंने अलग अलग लिया है क्योंकि मैं ये बात अभी प्रूव करने वाला हूँ कि यहाँ फ्रिक्शन अलग है, यहाँ फ्रिक्शन अलग होती है, जोर अलग अलग पड़ता है। अभी अभी समझा दूंगा कैसे। गाड़ी के दोनों हिस्सों पे जोर सेम नहीं पड़ता, इस तरफ अलग, इस तरफ अलग पड़ता है, जब स्पेशली जब वो चल रही होती है स्ट्रेट तब नहीं, जब वो घूम रही होती है तब। घूमते हुए तो ऐसा होता ही होता है। तो R1 R2 ले लिया, लेकिन टोटल नॉर्मल रिएक्शन R1 प्लस R2 है। इस टायर में फ्रिक्शन F1 है, इस टायर में फ्रिक्शन F2 है, और R इज द रेडियस जो कि कहाँ से लिया जाएगा, फ्रॉम सेंटर ऑफ द कार। अब क्वेश्चन देखो, सारी गेम बड़ी सिंपल है। एक तो बहुत ही सिंपल है कि नॉर्मल रिएक्शन R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, mg। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। तो पहला जो पॉइंट है वह R1 प्लस R2 इज इक्वल टू mg सही है, और F1 भी क्लियर है, म्यू टाइम्स R1 है, F2 क्लियर है, म्यू टाइम्स R2 है, ये भी क्लियर है। इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही है इसमें, गाड़ी अगर फ्रिक्शन है सर्कल में घूमेगी, आपकी गाड़ियाँ घूमती हैं सर्कल में, और तेज से तेज घुमाओ कोई दिक्कत नहीं है। जब बहुत तेज घुमाते हो गाड़ी को, तो कौन प्रोवाइड करता है उसे, सेंट्रिपिटल, वही तरीका। तो मुझे कहो कि सर मेरी गाड़ी को घुमाना है, तो ठीक है मैं गाड़ी को घुमाऊंगा, ग्राउंड बोर्ड खड़े होकर घुमा दूंगा। तो मैंने प्रोवाइड की सेंट्रिपिटल, तुमको रस्सी से बांध के घुमा दो, रस्सी की टेंशन प्रोवाइड की पर करी सेंट्रिपिटल, पर तुम्हारी जो गाड़ी है वो तो खुद ही घूमती है ना, वो तो फ्रिक्शन की वजह से घूम रही है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी सेंट्रिपिटल। एक मिनट लो और सोचो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी, ये इंपॉर्टेंट है, यही तो गेम है फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन एक्ट करेगी टुवर्ड सेंटर, दो मिनट सोचना जरा कैसे, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, फ्रिक्शन सेंटर की तरफ कैसे है।
तो इस केस में फ्रिक्शन सेंटर की तरफ कैसे एक्ट कर रही है, क्वेश्चन ये है। हाँ क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में है तो वो ओके ठीक है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये मेरा ट्रैक है, तो मेरी गाड़ी फॉर एन इंस्टेंट सीधी जा रही है, तो काफ़ी लोग पूछेंगे फ्रिक्शन तो फिर उल्टी एक्ट करनी चाहिए, सेंटर में कैसे होगी, बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक है, अगर गाड़ी ना घूम पाई, सही कह रहे हो, तो वो सीधी जाती है टेंजेंशियल, तो फ्रिक्शन पीछे क्यों नहीं है, लोग पूछ रहे ऐसे क्यों है। हाँ ऐसे तो मेरे को पता है, ऐसे तो मैं सही बोल सकता हूँ, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जब एक गाड़ी सर्कल में घूम ही रही है तो सेंट्रीपिटल तो मिलेगी मिलेगी, और कोई फोर्स है भी नहीं फ्रिक्शन के अलावा, तो फ्रिक्शन को सेंटर की तरफ एक्ट करनी ही पड़ेगी, वो तो बिल्कुल सही है, और फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तो आपकी बात सही है, गाड़ी सर्कल में घूम नहीं पाएगी, टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ हो जाएगी, टेंजेंशियली बाहर की तरफ जाएगी। अब एक काम करना, तुम एक टेबल ले लेना अपने घर पर छत के आसपास लगा लेना, और नहीं है तो नीचे एक पार्किंग खड़ी है, गाड़ी ले लेना कोई भी, गाड़ी के आसपास गोल घूमना, तेज 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 घूमना, सोचो आप गाड़ी हैं और देखो आपकी दो लेग्स आपकी आपके पहिए हैं, तो देखो ऐसा बनेगा कुछ सिचुएशन देखो, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट पैर है आपके। अब इमेजिन करो क्या होने वाला है, जस्ट इमेजिन करना, ध्यान से देखना, मेरे को इधर मुड़ना है, सोचें ध्यान से देखना, अपने को फील करना, ये लेफ्ट और ये राइट, मुझे इधर मुड़ना है, सीधा भागते हुए बहुत स्पीड पे एकदम इधर मुड़ना है मुझे, क्योंकि राउंड अबाउट के आसपास तो स्पीड भी ज़्यादा है और इस तरीके से तेज तेज घूमना है, तो मैं जैसे इधर भागता हुआ आऊँगा, ध्यान से देखना, मैं जैसे इधर भागता हुआ आऊँगा, ये पैर देखा मेरा आउटर पैर, यहाँ ब्रेक लगा के अब मैं उधर मुड़ूंगा, तुम खुद फील कर लेना, तुम्हारे आउटर लेग के ऊपर बहुत फोर्स लगने वाली है, तुम हो सकता है अगर बहुत तेज जा रहे हो और तुम्हें एकदम मुड़ना पड़ जाए, तो तुम भागते हुए आते हो और तुम यहां पे ब्रेक लगाते हो, अब तुम सीधा मुड़ते हो, और सोचो ये तो एक मोड़ है, वहां तो मोड़ ही मोड़ है, तो गाड़ी के साथ भी तो यही हो रहा है, गाड़ी सीधा भागने की कोशिश कर रही है पर मोड़ आ जाता है, तो उसकी राइट लेग पे ऊपर बहुत फोर्स लगती है, फिर वो इधर लेफ्ट मुड़ती है, फिर उसको क्योंकि लेफ्ट और मुड़ना है तो राइट के ऊपर फोर्स लगते लगते आप देखेंगे आपकी गाड़ी अगर ऐसे मुड़ रही है ना, तो गाड़ी ऐसे नहीं रहेगी, गाड़ी ऐसी हो जाएगी, ऐसे मुड़ेगी, तो आपकी गाड़ी ऐसे टेढ़ी होके मुड़नी स्टार्ट हो जाएगी, इस आउटर व्हील्स जो हैं दब जाएंगे, इनर व्हील थोड़े उठ जाएंगे, गाड़ी ऐसे की बजाय ऐसी हो जाएगी, सारी फोर्स यहां लगेगी। अब सोचो कई बार ऐसा होता है गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं लोग तो स्किडिंग की आवाज आती है, अगर चौंक के ऊपर या राउंड अबाउट के आसपास बहुत तेज अगर चला रहे हैं, स्किडिंग, यानी कि जब तक फ्रिक्शन सफिशिएंट है स्किडिंग नहीं होगी, फ्रिक्शन अगर कमज़ोर हो गई और आपकी फोर्स ज़्यादा हो गई, अब क्या होगी, स्किडिंग हो जाएगी, आवाज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी घिसटने की, तो यहाँ पर काइनेटिक रोल प्ले करेगी, अभी तो स्टैटिक काम कर रही है, फिर काइनेटिक भी अपना रोल प्ले करेगी, फिर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और गाड़ी कभी भी राउंड अबाउट पर गिरेगी नहीं, तेज़ घूमती हुई वो हमेशा अवे फ्रॉम राउंड अबाउट गिरेगी, उसके ऊपर कभी नहीं गिरेगी। आप रेसिंग कार के ट्रैक देख लो, जितनी तेज गाड़ियां चलती हैं ऑडियंस की तरफ वो पड़े होते हैं, टायर्स पड़े होते हैं, उसको जाके वो हिट करती है, बाहर की तरफ हिट करती है टेंजेंशियली, वो अंदर कभी भी नहीं गिरती ट्रैक के ऊपर जहां वो लोग खड़े होते हैं, वहां नहीं गिरती, आउटर बाहर की तरफ गिरती हैं, तो गाड़ियां बाहर जाने की कोशिश, आप पहाड़ पे जाओ, ये पहाड़ है, गाड़ी इसके आसपास घूम रही है, खाई में जाके गिरेगी, पहाड़ पे टक्कर नहीं मारती, जब ब्रेक नहीं लगेगी या स्किडिंग ज़्यादा हो जाएगी इस तरीके से बाहर जाके गिरेगी, तो यानी कि उसकी टेंडेंसी बाहर गिरने की ही है, और कौन बचा रहा है, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कहाँ करेगा, टुवर्ड्स सेंटर, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। इसलिए क्वेश्चन आता है जब ये गाड़ी घूमेगी कौन से व्हील्स ज़्यादा वेयर आउट हो जाएंगे, आपने लिखना है आउटर व्हील्स ज़्यादा वेयर आउट हो जाएंगे, क्लियर है यहाँ तक। तो ये इस केस में टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और मैंने बता दिया कि अगर आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या एम वी स्क्वायर बाय आर, तो आपकी गाड़ी नहीं गिरेगी, तो नॉर्मल रिएक्शन आर माइनस आर टू किसके इक्वल है एम जी, एम से एम कैंसल हो गया, तो आपके पास म्यू टाइम्स आर जी लेस देन इक्वल टू वी स्क्वायर,
और यहाँ से v शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, तो यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो गाड़ी जिससे चल सकती है वो इसके इक्वल है। तो आज के बाद जब आप घूमने जाएं राउंड अबाउट पे, अपने पेरेंट्स को कह दें एक मिनट जरा सरफेस का म्यू चेक कर लूँ, म्यू चेक करके, आर चेक करके, जी चेक करके अंडर रूट लेके बता देना, उसमें आएगा मान लो 70 किलोमीटर पर आर, बोल देना 60 से ऊपर गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। अगर गाड़ी चल गई आवाज़ें आ जाएंगी, स्कीडिंग हो जाएगी और गाड़ी आउट ऑफ ट्रैक भी जा सकती है। देखो ये फॉर्मूला है, लिखो फॉर्मूला लेवल रोड पे, फॉर्मूला ये नोट करें, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, और अगर ये स्पीड एक्सीड हो गई म्यू आर जी से, अंडर रूट से, तो गाड़ी की क्या स्टार्ट हो जाएगी, स्कीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करेगी।